नमस्कार दोस्तों, आइए आज मैं एक और आलू का रेसिपी लेकर आई हूँ जो हम व्रत में खाते हैं। ये है आलू और कुट्टू के पकौड़े। तो चलिए देख लेते हैं आलू और कुट्टू के पकौड़े कैसे बनते हैं। ये भी अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। आलू को उबाल के मैश करके उनमें मसालों को मिलाकर फिर कुट्टू के घोल में डुबो के, तो आज मैं सिंपल सा लेकर आई हूँ, वो फिर मैं कभी लेकर आऊँगी जो हम आलू उबाल के बनाते हैं। तो चलिए देखते क्या चाहिए। सबसे पहले देसी घी, व्रत का खाना है तो देसी घी में ही बनेगा। और चाहिए आलू, ये मैंने आलू काट के और पानी में डाल रखा है ताकि ये काले ना पड़े। आपकी मर्जी है, मोटे रखें पतले रखें, लेकिन ज़्यादा पतला मत रखिए और ज़्यादा मोटा मीडियम साइज में। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए, क्योंकि ज़्यादा पतले होंगे तो वो बेकार लगते हैं और ज़्यादा मोटे होंगे तो पकने में टाइम लगेगा। तो चाहिए कुट्टू का आटा 1 कप, और ये मेरे 2 आलू हैं, और चाहिए धनिया पत्ता, हरी मिर्च, भुना हुआ जीरा भुना और पीस के रखा है, और सेंधा नमक। आप काली मिर्च भी यूज कर सकते हैं और लाल मिर्च अगर आप व्रत में खाते हैं तो। तो चलिए, मैं जब तक आपसे बातें कर रही थी मैंने इधर देसी घी भी डाल दिया गर्म होने के लिए। तो ये गर्म हो रहा है, तब तक मैं सभी सामान को एक एक करके मिला के घोल लेती हूँ। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था, भूल गई थी बताना, पानी भी चाहिए। तो मैंने ये एक बर्तन लिया है और इसमें मैं ये कुट्टू का आटा डालूंगी और एक एक करके सभी सामान डालूंगी। तो चलिए इसमें इन सभी को डाल लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये मैंने भुना जीरा, नमक, धनिया पत्ता और हरी मिर्च। आप काली मिर्च और लाल मिर्च व्रत में खाती हैं तो डाल सकती हैं, हल्दी खाती हैं तो डाल सकती हैं, कोई मना नहीं है। और हम इसको अब थोड़े से पानी डाल के मिला लेंगे। आप चाहे तो सिंघाड़े के आटे में भी आप इन पकौड़ों को बना सकते हैं। तो अब मैं चलिए इसको अच्छी तरह मिला लेती हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये गाढ़ा ही घोल बनता है, ये देखिए गाढ़ा ही घोल रहेगा। और अब मैं इसमें हल्का सा देसी घी डालूंगी थोड़ा सा, ताकि हमारा क्रिस्पी बने। वैसे भी कुट्टू का आटे का जो पकौड़ा होता है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी होता है। अब हम इसे मिला लेंगे और मैं इधर चेक करूँगी मेरा तेल गर्म हुआ कि नहीं, सॉरी घी गर्म हुआ कि नहीं। तो फिर मैं एक एक करके इसमें पकौड़े डालूँगी। ये बहुत पतला घोल नहीं बनता है, वरना हमारे जो आलू हैं उस पर ये चढ़ेंगे नहीं। अब मैं पानी में से आलू को निकाल के रख लेती हूँ, वरना हमारा जो घोल है वो पतला हो जाएगा। और इधर हमारा तेल भी गर्म होने वाला है, तो चलिए चेक कर लेते हैं हमारा तेल गर्म हुआ नहीं हुआ। जी हाँ, हो गया। तो अब मैं एक एक करके इसमें पकौड़े डालती हूँ। तो ये देखिए, मैंने इसमें आलू डाल दिए और अब मैं चम्मच हटाती हूँ और हाथों की मदद से मैं इसे इस तरह के करके, ये देखिए, और मैं इसमें डालती जाऊंगी एक एक करके। घोल को गाढ़ा ही रखिएगा, वरना हमारे जो पकौड़े हैं वो अच्छे नहीं होंगे। पहले मैं बहुत तेज आंच रखती हूँ, फिर मैं आंच को थोड़ा सा कम करती हूँ, मीडियम नहीं पर थोड़ा सा कम। तो चलिए मैं एक एक करके सारे पकौड़े इसमें डाल लेती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, ये एक तरफ से हो चुका है। ये ध्यान रखिएगा, इसका घोल जो होता है वो गाढ़ा ही रखिएगा, और कभी कभी ये कढ़ाई में चिपक भी जाते हैं, तो सावधानी से दोस्तों। ये देखिए, ये चिपक गया। तो मैं इसे छोड़ देती हूँ थोड़ा जी। तो चलिए हम इसे दोनों तरफ से सेक लेते हैं। और जब भी आपको देखना हो, क्योंकि हमारे आलू तो कच्चे थे, तो इस तरह से चाकू को इसके अंदर डाल के देखिए। अगर चाकू आराम से चला जाता है तो समझिए कि हमारे आलू, ये देखिए, बहुत ही आराम से जा रहे हैं, हो गए। अगर चाकू नहीं जाता है तो हमारा पकौड़ा नहीं होगा। तो चलिए, अगर आप सोचती हैं कि आलू कच्चा है कैसे पकेगा, तो आप आलू को हाफ बॉईल करके फिर उसको पतले स्लाइस काट के पकौड़े बनाइए, तो वो और जल्दी बनता है। तो चलिए इसी तरह मैं सारे पकौड़े बना लेती हूँ। अब ये मेरा निकालने के लिए तैयार है। चलिए हम इसे निकाल लेते हैं टिश्यू पेपर पे, और मैं गैस ऑफ करती हूँ, और ये सर्व करने के लिए तैयार है।
तो ये लीजिए दोस्तों, मेरा कुट्टू का पकौड़ा यानी आलू का पकौड़ा तैयार है कुट्टू के आटे के साथ। आप इसे सिंघाड़े के आटे के साथ भी बना सकते हैं, और जो सावा का चावल होता है उसे पीस कर भी उसको मिला सकते हैं सिंघाड़े के आटे में। ये मुझे दही के साथ अच्छा लगता है। मैं नमक अपने में नहीं डालती हूँ, पर मेरे बच्चों को पसंद है कुट्टू के पकौड़े, तो मैं उनके लिए ज़रूर डालती हूँ सेंधा नमक। मैं अपने लिए अलग से निकाल के बनाती हूँ दोस्तों। तो आप बनाइए, खाइए मेरे तरीके से। आप लाल मिर्च और काली मिर्च के भी यूज कर सकते हैं अगर व्रत में खाते हैं तो आप अपना भी तरीका मुझे बताइए। और ये मेरा तरीका था, ज़रूर बताइएगा दोस्तों कैसा लगा। आप चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं, हरी चटनी भी बनती है व्रत में, पर मुझे सिंपल दही के साथ अच्छा लगता है। तो मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों ज़रूर करिएगा सब्सक्राइब, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि मेरा कोई भी रेसिपी सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।